ठीक है। तो लाला लाजपत राय को इतना पीटा गया जो मतलब पीटते पीटते मर गए, ठीक है। वही वहां पर लाला लाजपत राय मतलब गुस्सा में बोले थे कि मेरे शरीर से जितना खून बहा है ना, एक एक का बदला लूंगा। उसी इसी चीज में मन में आग लग गया था उनको, भगत सिंह को। तो फिर बाद में 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ, मोतीलाल नेहरू वो एक कमेटी बनाया अपने आप, मोतीलाल नेहरू का चेयरमैनशिप में कमेटी बनाया गया। उसमें हुआ कि भाई हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मत दो, फिलहाल डोमिनियन स्टेटस दो, दोनों तक आधा और हम लोग संभालेंगे, आधा तुम लोग संभालिए, मतलब मेरे ऊपर कंट्रोल तुम ही रखो लेकिन हमको कुछ दो आपस में, मतलब डायरेक्टली सिस्टम, ठीक है ना। दो संभालने वाला होगा, नीचे का हम देखेंगे ऊपर का तुम देखो। तो रिकमेंडेशन मैंने फिर दूसरा चीज डिमांड किए कि भाई हम वोमेन लोग को इक्वल राइट दीजिए जितना मेल लोग दे रहे हैं। तो ये चीज को लेकर कुछ लोग भड़के हुए थे कि भाई यार वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट चाहिए, जो गरम दल के आदमी थे वो बोल रहे थे वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट चाहिए। हिंदुस्तान फिर नया पार्टी गठन हुआ है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी 1928 में, उसमें चंद्रशेखर आजाद जो है बनाए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी कौन था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में था चार राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद सब कोई, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी एसोसिएशन में कौन था? चंद्रशेखर आजाद बनाए थे, क्योंकि वही वो बचपन किए थे, है ना। तो चंद्रशेखर आजाद बनाए थे, फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली में, इनका मोटो था कि हम लाहौर पहले पहुंच षड्यंत्र रचेंगे, है ना। लाहौर में जो कांड हुआ है ना उनका उसी को लेकर बनाए थे, उसमें वो सपोर्ट भी किए थे भगत सिंह, है ना, भगत सिंह भी उसी में थे। नेक्स्ट गो बैक साइमन जो है 1927 में हुआ था, 1927 में वो लोग आए थे साइमन। तो 1929 में हुआ लाहौर का कांग्रेस सेशन, ठीक है, जिसमें कि पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया रावी नदी के किनारे, है ना, लाहौर में। उस समय जो है कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। दिसंबर में डिमांड किया गया और डिसाइड किया गया कि हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगले साल जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, गोल मेज सम्मेलन, है ना। तो वो अगले साल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, तो न्यूली अडॉप्टेड जो है वहां पर ट्राई कलर फ्लैग एक नया अडॉप्ट किया गया और उसको फहराया गया 31 दिसंबर 1929 को। और फहरा के ऐसा प्लान किया गया कि 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराएंगे, अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, प्लान किया गया। लेकिन ये मतलब क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि ये जितना भी मूवमेंट ब्रिटिशर्स लोग 1928 के बाद कोई रिस्पॉन्स ना दे रहा था, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं, कुछ पूछा जा रहा है चाहे कुछ मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है रोमियो रिजल्ट का क्या हुआ दिस दैट, कोई रिस्पॉन्स नहीं, नेगोशिएशन हो रहा था, मतलब वो लोग नेगलेक्ट कर रहे थे। इसीलिए ऐसा ये लोग प्लान किए ताकि उसका नेगलेक्ट जो कर रहे हैं जो भी लीडर्स थे, मतलब जो फ्रीडम मूवमेंट में जो लीडर्स हैं उसका नेगलेक्ट जो कर रहे हैं उस नेगलेक्ट का टूटना होना जरूरी है, टूटना चाहिए नेगलेक्ट से, ठीक है। वो नेगोशिएशंस को तोड़ने के लिए जब प्लान किए थे हम जिस झंडा फहरा देंगे इंडिपेंडेंस 26 जनवरी को, इसीलिए भारत जब आजाद हो गया था वो 15 अगस्त को हुआ था, लेकिन 26 जनवरी को 1950 को संविधान को लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर 1929 में यही भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त, है ना, अरे भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु, वहां पर जो है मेन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल दिल्ली में ही मतलब बम फेंक दिए थे, वो भी ऐसा जगह फेंके थे कि किसी को क्षति ना हो, देख के फेंके थे, है ना, यहीं पे फेंक दिए थे। और उसके बाद पूरा धुआं उड़ा दिए थे और उसके बाद नारा लगाए थे इंकलाब जिंदाबाद, मतलब उनको वो उनका मेन मकसद था कि किसी को हार नहीं करना है, लेकिन हाँ जो बहरे लोग हैं वो उनको सुनाना है क्योंकि वो लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, बाहर लोग को जबरदस्ती उंगली कर रहे थे, मतलब है ना, कुछ बोलिए कुछ सुनिए। नेक्स्ट इसको लेके वो लोग बहुत गुस्सा हो गए, गुस्सा होने के बाद जो है भगत सिंह को पकड़ लिए, भगत सिंह को जेल में पकड़ लिए और फांसी का सजा सुना दिए, 24 मार्च 1931 को फांसी का सजा सुनाए थे, लेकिन भगदड़ मचने की वजह से 23 मार्च को हो गया रात्रि में, पढ़ेंगे आगे। फिर 1930 में क्या हुआ? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, जो गांधी जी स्टार्ट किए थे 12 मार्च को स्टार्ट किए थे और 6 अप्रैल को पहुंचे थे, है ना, सार तालाब को तोड़ के, मतलब खुद से नमक बनाए थे सार तालाब को तोड़ के, 78 पीपुल 78 लोग थे, सरोजिनी नायडू भी थी, लेडी भी थी, साबरमती आश्रम से कहाँ गए थे? दांडी दांडी गए थे,
किलोमीटर का दूरी है, कितना किलोमीटर? 373। हाँ 373 किलोमीटर का दूरी है और ये 6 अप्रैल को पहुंचे थे, ठीक है। 78 हुआ था, ठीक है, 6 अप्रैल को। हाँ 6 अप्रैल को पहुंचे थे, तो कितना दिन हुआ? चौबीस दिन मतलब ये लोग पैदल चले थे, ठीक है। उसके बाद जो है फर्स्ट राउंड लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ, 74 पीपल उसमें पार्टिसिपेट किए थे। 12 नवंबर को हुआ था 1930 में लंदन में। साइमन कमीशन का जो इशूज है उसको डिस्कशन करने के लिए गांधी जी और कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, बॉयकॉट कर दिए थे। लेकिन हाँ मुस्लिम लीग और दलित को रिप्रेजेंट कर रहे थे भीमराव अम्बेडकर, वो पार्टिसिपेट किए थे। मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेटिव कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और फजलुल हक। तो मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और फजलुल हक जो है पार्टिसिपेट किए थे दलित के लिए रिप्रेजेंट करते हुए, भीमराव अम्बेडकर किए थे। तो इतने लोग पार्टिसिपेट किए, बाकी ये गांधी जी नहीं किए, कांग्रेस भी नहीं किया, ठीक है। और लोग अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे उस समय। लॉर्ड कौन थे? फिर चंद्रशेखर आजाद की कहानी सुनिए। 27 नवंबर 1931 को चंद्रशेखर आजाद खुद ही गोली मार दिए थे। हुआ क्या था? चंद्रशेखर आजाद जो है एक आदमी मतलब जब षड्यंत्र कर रहे थे कि भाई भगत सिंह पकड़ा गए हैं, भगत सिंह को छुड़ाने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे, तो ये लाहौर जाने के मूड में थे, बाहर भागने के मूड में थे, उसी से षड्यंत्र करके भगत सिंह को भी बचाने के मूड में थे। भगत सिंह को बचाने के मूड में थे, साइकिल वाला था, साइकिल वाला से पूछे कि भाई कुछ पैसा चाहिए, भागना था इनको विदेश, तो कुछ पैसा चाहिए, तो बोला कि ठीक है हम ला के देते हैं। उसके बाद नेहरू जी से बात किए फोन पर कि कुछ पैसे का बंदोबस्त कीजिए, भाई ऐसा कांड हो गया है, भगत सिंह मतलब पकड़ लिया है, वो लोग फांसी दे रहा है। तो उसको चक्कर में मतलब जब तक जो है इनको पुलिस चारों ओर से घेर लेता है। अब यही मेन क्वेश्चन है कि बताया कौन ब्रिटिश पुलिस को, बताया कौन कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर है, ये कहाँ पर रहते हैं? जो चंद्रशेखर आजाद जो है नोबेल क्या उसको बोलते हैं, अल्फ्रेड नोबेल पार्क पे रहते हैं, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल पार्क को फिर बाद में चंद्रशेखर आजाद देखे कि भाई बहुत आदमी आ गया, उसी में वो डायलॉग मारे थे किसी का, क्या मजा जो छेड़े दिलेर को गर्दिश में तो घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को, ठीक है। और उसके बाद फिर वो बोले कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही है और आजाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद नामी है, तो ये बोले कि भाई तुम्हें की गोली से तो हम नहीं मरेंगे, मरना होगा तो खुद की गोली से मरेंगे। तो ये क्या किए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ गोली मारे, जब एक गोली बच गया तो खुद को मार लिए कि भाई तुम्हें गोली से नहीं मरेंगे, फिर भी बहुत लोग मार लिए थे। तो चंद्रशेखर आजाद फिर यही जो पेड़ के नीचे जहाँ मरे थे वहीं पर इनका जैसे मुद्रा टाइप ऐसे बना दिया गया, बनता है ना लोग मर गए इस बात बनाते हैं समाधि, हाँ तो समाधि बना दिया गया। और बाद में जो इनाम था ना अल्फ्रेड नोबेल पार्क, वो आजाद चंद्रशेखर आजाद पार्क बना दिया गया। दिल्ली अब देखिए गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट, ये गांधी जी हैं इरविन हैं लॉर्ड। तो 5 मार्च को होता है बोध एग्जाम आता है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है। तो गांधी जी जो है उसमें एग्री कर जाते हैं कि हम जो है वो सबसे पहले बोलते हैं कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है हटा लो, जो संविधान का आंदोलन चल रहा था वो हटा लो, ठीक है। तो 12 मार्च से ही चल रहा था 1930 से ही, तो बोले हटा लो। उसके बाद बोले कि तुम सेकेंड राउंड टेबल्स कॉन्फ्रेंस पे ज्वाइन करो, और फिर बोले कि तुम्हारे जितने भी पोलिटिकल कैदी हैं पोलिटिकल कैदी को हम रिहा कर देंगे, ठीक है। अब ये समझौता के बाद गांधी मार्ग जो है पॉलिटिकल कैदी को रिहा कर दिए। उसके बाद महात्मा गांधी और बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था, इस समझौता के बाद जो है वो मिलने के लिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए इनको भेजा गया, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल कैदी को हम रिहा करते हैं ये वर्ड बोल के उनको टक्का दिए, इनको भगत सिंह जो है लेटर लिखा था, एक्चुअली क्या था भड़क गया था इतना पब्लिक की 24
24 मार्च को पहले से प्लानिंग हो गया था कि भाई इनका होगा, लेकिन डिक्लेयर पब्लिक समझ ब्रिटिश समझ गया था कि 24 मार्च को उनको फांसी नहीं दे पाएंगे, पब्लिक बहुत भड़क जाएगा। तो 23 मार्च को आता है उड़ा दिए, अचानक से लेटर आया और इनसे पूछा गया कि तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है, तो बोल रहा कि हमारा आखिरी इच्छा तुम पूरा नहीं कर पाओगे, हमारा आखिरी इच्छा है भारत को आजाद कर दो। तो बोला अच्छा ठीक है दूसरा बताओ, तो फिर दूसरा आखिरी इच्छा बोले कि हमारा ये सब खोल दो, हाथ खोल दो, हम तीनों आपस में गला मिलना चाहते हैं। तो तीनों आपस में गला मिले और उनके बाद ऑर्डर आया था तो जेल सुप्रिंटेंडेंट का इनको एक घंटे तक लटके रहना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रूल है कि अगर फांसी में बाई मिस्टेक बच गया तो आप दोबारा फांसी इसको नहीं दे सकते, इसलिए ये लोगों को क्या कर दिया था, लटका के एक घंटा तक छोड़ दिया था कैसे भी मर जाना, और मरने के बाद इन लोगों को रावी नदी के किनारे फेंक दिया, मतलब जला दिया था, फिर भी धुआं से पकड़ लिए तो लोग लगता है फांसी दे दिया, तो रावी नदी के किनारे इन लोग लाहौर में ही छोड़ दिया। ठीक है नेक्स्ट पंजाब, तो सब लोग गांधी जी को भड़क गए कि भाई आप गांधी से इरविन से समझौता क्या किए, पॉलिटिकल कैदी को रिहा करते, वो बोला कि हम तो पॉलिटिकल कैदी को रिहा करने के लिए बोले थे, हम आतंकवादी को रिहा करने के लिए थोड़ी बोले थे, पॉलिटिकल कैदी थोड़ी है, दांडी मार्च में जो पॉलिटिकली मतलब कैदी था उसको रिहा कर रहे थे, ये तो आतंकवादी है, क्रिमिनल कैदी है ये। तो एक्चुअली गांधी जी बोल रहे थे कि भाई क्रिमिनल कैदी का क्या, तो गांधी जी बोले ठीक है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल है वो आप करिए, उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ था भी नहीं, अलग अलग बुक में अलग अलग वर्डिंग लिखा हुआ है, एग्जैक्ट पता नहीं क्या हुआ था, गांधी जी क्यों नहीं बचाए भगत सिंह को। एक्चुअली गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, जो जो हिंसा करता था ना उसको घुमा देते थे, सुभाष चंद्र बोस को भी हमको लगता है हिंदी जब गाएंगे, और भगत सिंह को भी यही लिए हैं, पता नहीं अलग अलग बुक में अलग अलग लिखता है, जो क्या है वो आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं, कोई बुक बयान नहीं करेगा। ये देखिए सेकंड राउंड टेबल उसमें गांधी जी यहाँ बैठे हुए हैं, झुंझुनू यहाँ देखिए बगल में यहाँ की भी है, तो मैकडोनाल्ड है, तो मैकडोनाल्ड और मतलब मैकडोनाल्ड जो है चेयरपर्सन था उस समय, है रामसे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के जो पीएम थे। सेकंड राउंड टेबल जो है 1931 में हुआ, गांधी जी अटेंड किए, इरविन उस समय नया मिनिस्टर बन गया था, कौन वेलिंगटन, चार मुझके वायसराय को बदल दिया था ताकि समझौता में आने से पूरी है जाए, वायसराय बदल दिया। तो गांधी जी बोले कि हमको कम से कम डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो है हमारे कंट्रोल में ले लीजिए, ठीक है, और भीमराव अंबेडकर बोले कि नहीं हम डिप्रेस क्लास जो है दलित लोग है उसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए, ठीक है, जो कि गांधी जी अपोज कर रहे थे, है ना, तो सब आपसे में एक दूसरे के अपोज कर रहा था, मुस्लिम लोग बोल रहा था हमको सेपरेट दे दीजिए, तो सब आपसे में लड़ने लगा, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकला। ठीक है नेक्स्ट, फिर आया पूना पैक्ट 1932 सितंबर में पूना पैक्ट हुआ है, ठीक है, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर में, तो पूना पैक्ट में गांधी और भीमराव अंबेडकर में समझौता होता है, गांधी जी इनका कहना था कि भाई दलित लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए, है ना, कमल अवार्ड मतलब पूना समझौता में महात्मा गांधी का जो अंशन था मतलब जब तक हिमालय नहीं जब तक अंशन में बैठे गए थे, फिर समझौता हुआ कि भाई डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए, ये कौन बोल रहा था, भीमराव अंबेडकर, और जो है मुस्लिम को भी वेटेज प्रिवेंसेस दीजिए जो माइनॉरिटी में है। गांधी जी का कहना था कि भाई जो यरवला जेल में ही थे कोंगल वार्ड में ये फास्टिंग रखे हुए थे जब तक मारे गए अंशन में थे, तो पूना पैक्ट जो है भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में साइन हुआ, तो राजेंद्र प्रसाद के साथ समाधान मोहन मालवीय साइन किए थे, राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय इनके तरफ से बैठे हुए थे वो साइन किए थे, तो मदन मोहन मालवीय जो है इनके बिहार पर साइन किए थे। लेकिन हुआ क्या था कि गांधी जी बोल रहे थे कि भाई तुम दलित को अलग मत करो, दलित हमारे अंग है, उनको अगर तुमको करना ही है तो रिजर्वेशन करो, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट मत करो, उनको रिजर्वेशन दे दो लेकिन अलग मत करो, हिंदू का मेन मेजर पार्ट है, हमारा पार्ट है, हमारा अंग है। तो फिर फाइनली जाकर के समझौता हुआ, ठीक है, यरवदा जेल से ही सब कुछ हो गया, समझौता होने के बाद फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है नेक्स्ट, फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें गांधी जी नहीं गए थे, पहले खाली सेकंड डे पे गए थे, उसमें मात्र 46 लोग ही गए, ठीक है, कांग्रेस भी नहीं गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है भीमराव अंबेडकर गए थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है,
थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है पूना फैक्ट्री जस्ट बाद में हुआ था। तो इसी होने के बाद जो है नया एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना। अब देखिए 1933 में क्या हुआ था, 1932 में तो आप जानते हैं कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, पूना फैक्ट हुआ था, पूना फैक्ट श्रीनगर में नवंबर में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1933 में एक हरिजन पत्रिका निकाले थे गांधी जी, और 1933 में ही रहमत अली खान जो है नया वर्ड बोले थे पाकिस्तान, और ये याद बहुत आता है रहमत अली खान ही बोले थे पाकिस्तान वर्ड, तो रहमत अली खान बोले थे। और 1933 में जो हरिजन जो है मतलब क्या उसको बोलते हैं नया न्यूज पेपर स्टार्ट किए थे गांधी जी हरिजन, SC ST को बोल रहे थे, चलो जो है हरि के जन है भगवान के लोग हैं। फिर 1934 में हरिजन सेवक संघ भी वो तैयार किए थे यूनियन टाइप, मतलब हरिजन लोगों को सेवा करने के लिए। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था, इसमें जो है RBI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फेडरल कोर्ट बना था, और पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, ऐसा बहुत सारा काम हुआ था, है ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बन गया था, इसे बहुत सब कुछ नया नया गठन हुआ था, RBI बना था, कोर्ट बना था, पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, है ना। तो ये सब अच्छा अच्छा काम कुछ कुछ हुआ था। फिर 1937 में ये कौन बनवाए थे, गुलाम भारत का फर्स्ट एवर इलेक्शन जो इंडिया सेल्फ रूल मूवमेंट कौन चलाए थे, जवाहरलाल नेहरू। पहली बार जवाहरलाल नेहरू अकेले कुछ बड़ा काम किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो है सेल्फ रूल मूवमेंट का चलाए थे इंडिया के लिए, है ना। इलेक्शन मतलब वो पहला इलेक्शन हुआ था उस समय, गुलाम भारत का पहला इलेक्शन हुआ था, तो सेल्फ रूल मूवमेंट चलाए थे जवाहरलाल नेहरू चलाए थे। 39 से 45 वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े लीडर थे, आपको बताया था 1923 में स्वराज पार्टी में भी मेंबर थे, तो 1923 में सुभाष स्वराज पार्टी में मेंबर थे, तो 1925 में सुभाष चंद्र बोस अरेस्ट हो गए और इनको अलीपुर जेल में भेज दिया गया, अलीपुर जेल में वहां से फिर ट्रांसफर करके मंडला जेल में भेज दिया गया म्यांमार में, ठीक है। अलीपुर इंडिया में है, मंडले म्यांमार में, मंडले जब भेज गया। फिर 1938 में ये हरिपुर सेशन जीते थे, पलवल बने थे कांग्रेस के, 38-39 लगातार बने थे, फिर पूरी सेशन भी बने थे, लेकिन फिर पूरी सेशन में जो है रिजाइन मार दिए थे। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस सीतारामैया को इलेक्शन में हरा दिए थे, लेकिन सीतारामैया जो है गांधी जी के मतलब भक्त थे, और गांधी जी ही एक्चुअली सीतारामैया को रखे थे जेल से ही सब कुछ ऐसा कर रहे थे, लेकिन वो मतलब उनके जितने भी गांधी जी के समर्थक थे वो इनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे, तो रिजाइन कर दिए, फिर राजेंद्र प्रसाद बने थे 39 में। फिर 1939 में एक अपना फिर अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे, है ना, कोलकाता में फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है गांधी जी को दो टाइटल भी दिए हैं, राष्ट्रपिता और बापू। जब 1945 में ये इंडियन नेशनल आर्मी को लेकर के जापान से कोलकाता लेके आ रहे थे, तो हमने फाइनल युद्ध की तैयारी कर ली है, राष्ट्रपिता आपका आशीर्वाद का जरूरत है, तो गांधी जी उनका क्रैश करवा दिए लगता है। 1945 में सुभाष चंद्र का क्रैश हो गया था, है ना, बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ था। वर्ल्ड का पहला वुमेन कॉम्बैट आर्मी जो है इंडिया का यही बनवाए थे, है ना, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का, है ना, सुभाष चंद्र बोस। फिर इंडियन नेशनल आर्मी का रियल फाउंडर यही है, लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो है राष्ट्र बिहारी बोस है, जापान में ही बनवाए बनवा कर रखे हैं, ठीक है। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस की कहानी। सुभाष चंद्र बोस जो है ना, तो इसमें मेरा एक PDF होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो डायरेक्टरी था वो खत्म हो गया, ठीक है, सेंटर का जो मेन शासन था, है ना, वो स्टार्ट हो गया, प्रोविंसेस में डायरेक्टरी खत्म हो गया, सेंटर में बदल गया, प्रोविंसेस में सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, नया देश बनाया गया यूनियन देश, स्टेट देश, कंकरेंट देश, यूनियन में पोर्ट बनाया गया, बैंक के लिए RBI बनाया गया कंकरेंट में, सिंध उड़ीसा जो है नया प्रोविंस स्पेलिंग प्रोविंस हो गया, प्रोविंस बनाया गया सिंध उड़ीसा, बर्मा जो है इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हो गया 1937 में, सेपरेट हुआ था, ये ऑर्डर हुआ था सेपरेट होने, 1937 में बर्मा इंडिया सेपरेट हो गया, फीमेल को रिजर्वेशन दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इंडियन कोर्सेस और लंदन जो है समाप्त हो गया, अलग से इंडियन कौंसिल बनाया गया था लंदन का, और जो मतलब अपना इलेक्शन चालू हुआ था जवाहरलाल नेहरू किए थे जो अभी बताया था, है ना, तो गुलामी का जो खत्म हो गया था दरपत्र, है ना,
और प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था 1937 में, उसी को लीड किए थे गांधी जी, अरे नेहरू जी। 11 स्टेट में हुआ था, 550 सीट पे 28 वीक में एडमिनिस्ट्रेशन चला था। पंजाब जो है अपना यूनियनिस्ट पार्टी बनाया था, और बंगाल जो है कृषक पार्टी बनाया था, बॉम्बे में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी था, मद्रास में जस्टिस पार्टी था, यूपी में नेशनल एग्रीकल्चर पार्टी था। कांग्रेस टोटल 711 सीट जीता था, मुस्लिम जीता था 420 में से 48%, कांग्रेस का फुल मेजोरिटी था, है ना। और ऊपर उसके बाद जो है कांग्रेस फुल मेजोरिटी में कहाँ कहाँ था, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, यूपी में, आसाम में, मुंबई में, पंजाब में और सेंट्रल प्रोविंसेस में, ठीक है, बोलो तो यूपी उस समय सेंट्रल प्रोविंसेस बोला जाता था, नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में, मद्रास में भी। वर्ल्ड वार टू 1939 से ब्रिटिश इंडिया को बिना परमिशन से शामिल कर लिया था वर्ल्ड वार टू में, कांग्रेस का जो 8 प्रोविंसेस था उसमें सरकार गिरा दिया गया था, है ना, क्योंकि बिना कांग्रेस के परमिशन से इस सबको ऑटोमेटिक शामिल कर लिया। और मुस्लिम लीग जो है 22 दिसंबर 1947 को मुक्ति दिवस मनाया था, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, दो एक्शन डे बोलते हैं उसको। नेक्स्ट मेन वो सुभाष चंद्र बोस निकाल लिए, कुछ कुछ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों हुआ, क्योंकि गांधी जी 11 डिमांड दिए थे जो लॉर्ड हाउस में ध्यान में दिए अपना डिमांड था उनका। गांधी नेहरू जी रिपोर्ट दिए थे कि हमको डोमिनियन स्टेट दिया जाए, वो भी नहीं दिए, है ना, नेहरू रिपोर्ट 28 में। गांधी जी भी दिए थे 11 डिमांड, वो भी नहीं हुआ, तो फिर 60 का वो ब्रेक किए साबरमती से दांडी, जो अहमदाबाद से नवसारी बोलते हैं, दांडी मार्च चालू किए 6 अप्रैल 1919 में। आपको ये भी हुआ था रॉयल टैक्स के अगेंस्ट स्ट्राइक का भी घोषणा हुआ था, तो साल्ट से मैक्सिमम लोग जुड़े थे, इसलिए साल्ट को चूज किया गया, हम साल्ट को जुड़ेंगे क्योंकि मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं। दांडी का रास्ता भी कठिन था, इसलिए दांडी को चूज किया, मतलब पूछता ना भाई साल्टे लोग क्यों हुआ, दांडी क्यों हुआ, इसका रास्ता कठिन था। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 385 किलोमीटर 241 माइल 78 मेंबर थे, 24 दिन लगाए इनको। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक फिर नेशनल वीक चला, सबसे मतलब उस समय जो है सबसे पुराने आदमी कौन थे दांडी मार्च में, गांधी जी थे, सबसे एजगर आदमी गांधी जी थे, है ना, 61 साल के। सबसे यंगेस्ट कौन थे, पिलाधर जो है 16 साल का ही थे, और नेपाली फॉरेनर भी एक थे महावीर, 2 मुस्लिम था, 1 क्रिश्चियन था, है ना। एक मुट्ठी नमक का जो गांधी जी लेकर के नमक बनाए थे उसका नीलामी हुआ था 1600 रुपया में उस समय, $750 में, ठीक है। फिर उस समय जाते समय जो लोग भजन गा रहे थे रघुपति राघव राजा राम, और नेपोलियन जो है पेरिस मार्च कर रहा था, मुसोलिनी जो है रोम मार्च कर रहा था, वल्लभ भाई पटेल जो है उस समय 3 महीने का जेल में थे, क्योंकि वही सब जगह हमला कर रहे थे कि गांधी मार्च स्टार्ट हो रहा है, गांधी मार्च स्टार्ट हो रहा है, सब लोग जो पार्टिसिपेट करो, इनको जेल भेज दिया था 6 मार्च 1930 में, ये शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि जेल चले गए, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन कौन स्टेट से कौन कौन लीडर में आए थे, तो तमिलनाडु से जो है राजगोपालचारी थे, जो है तिरुचिरापल्ली से वेदरनायन भी दांडी मार्च हुआ था, मतलब अलग अलग लोकेशन से भी दांडी मार्च हुआ था। केरला से के कल्पन और टी मालवन किए थे मालाबार पोस्ट में, है ना, कलकत्ता से पालीपाइलियों तक, ठीक। यूपी से जवाहरलाल नेहरू और उनकी बीवी थी लीड कर रही थी, सोंधी लोनी सोयल सार बनाई थी, दोनों मियां बीवी थे। बिहार से राजेंद्र प्रसाद थे, जब तक वे चौकीदारी टैक्स की वजह से दांडी मार्च के आंदोलन किए थे। बंगाल से मोहम्मद सेन गुप्ता थे, वो बहुत बार अरेस्ट हुए हैं, 1500 बार अरेस्ट हुए हैं। नागालैंड से यदोसिया थे, वो जियाराम आंदोलन किए थे। और कर्नाटक से जो है सैनिक डिपार्टमेंट, मतलब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट सैनिक रिपोर्ट में अटैक हुआ था, तो ये इतना लोग जो है मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए थे, ठीक है ना। फिर वेस्ट बंगाल से कौन थे, गफ्फार खान, जिनको बोला जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान, चाहे फ्रंटियर गांधी, चाहे सीमांत गांधी, चाहे बादशाह खान, इनका तीन नाम है, इसमें एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान, सीमांत गांधी, ये रेड शर्ट मूवमेंट भी चालू किए थे, है ना, रेड शर्ट मूवमेंट और मतलब खुदाई खिदमतगर मूवमेंट, दो मूवमेंट किए थे, खुदाई खिदमतगर और रेड शर्ट मूवमेंट। तो जो उस समय बॉय लोग था उसको मानव सेना बोलते थे, और गर्ल लोग को मजली सेना बोलते थे, ठीक है ना। उसके बाद जो है विद इन एक सेल जो है 1,00,000 पीपल से ज्यादा लोग अरेस्ट कर दिया गया, गांधी जी जो है 6 मई को अरेस्ट हो गए यलौरा जेल में, है ना। अब्बास तैयार जी भी हो गई, सरोजिनी नायडू हो गई, धरसाना है, धरसाना नायडू हो गया, है ना, धरसाना क्या है कोई समझ लीजिए,
दर्शाना एक डिब्बा का नाम है, डिब्बा पे हमला किया गया था महाराष्ट्र में। सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, मणिलाल और भी 200 लोग ज्यादा लोग सत्याग्रह कर रहे थे। तो एक पत्रकार आया था, विवेक मिलर, बोला कि ऐसा बर्दाश्त नहीं देखा, मतलब ये लोग टॉर्चर कर रहे थे, मार पीट रहे थे, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहा था, रिएक्ट नहीं कर रहा था मतलब। तो वही बोला था कि ऐसा बर्दाश्त हम कभी नहीं देखे लाइफ में, विवेक मिलर जो मेन लीडर था जेल में 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया था 1932 में, मेन लीडर सब लोग को जेल में कर दिए थे, सब लीडर को जेल कर दिए थे ब्रिटिशर्स। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 हुआ था 26 जनवरी से, गांधी जी यहाँ हो गए थे 26 जनवरी 1931 को, 5 मार्च गांधी जी समझौता हुआ, फिर CDM को रोक दिया गया, 4 जनवरी को फिर CDM स्टार्ट हुआ, गांधी जी वहाँ से वापस आए थे, ठीक है, फिर गांधी जी गिरफ्तार हो गए, 1933 में CDM को निलंबित कर दिया गया, 34 में जाकर CDM खत्म हुआ, ठीक है। गांधी जी कौन कौन चीज से गए थे एक बार देखिए, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो वन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 11 जनवरी 1931 तक हुआ था, किंग थे जॉर्ज और पीएम थे मैकडोनाल्ड, और कौन सा प्लेस था, संत जेम्स प्लेस पैलेस लंदन, संत जेम्स प्लेस लंदन, वायसराय थे, हाँ वायसराय जो थे वो जहाज कौन था, इंडिया जो है, इंडियन जो है कौन से लंदन से गए, जहाज का नाम था वायसराय ऑफ इंडिया, और 89 मेंबर्स थे, ब्रिटेन से 16 मेंबर पार्टिसिपेट किए थे, देसी रियासत से 16 नंबर ही थे, और ब्रिटिश इंडियन जो थे 57 नंबर थे, मुस्लिम से मोहम्मद अली जिन्ना, दिल्ली से भीमराव अंबेडकर, हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहे थे बीएस मुंजी, हिंदू को बीएस मुंजी, और एम आर जयकर, उदारवादी से थे तेज बहादुर, सपना चमनाल और सीतलवाड, लेडीज में थी बेगम श्रीमती राधाबाई, सुब्रमण्यम और बेगम जहन राव सहना, ठीक है, सबका सेपरेट डिमांड था, इसलिए सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वन में बोले थे कि दूल्हा ही शादी नहीं है, ऐसा शादी है, गांधी जी नहीं कहते ना, तो राजेंद्र प्रसाद बोले थे कि दूल्हा ही शामिल नहीं है, ठीक है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू में 5 मार्च जो है गांधी इम्पैक्ट में सरोजिनी नायडू जो है, सरोजिनी नायडू पार्टिसिपेट की थी, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में बोली थी कि नमक बना सकते हैं बेचने के लिए नहीं, पॉलिटिकल कैदियों को रिहा होगी, CDM का टाइम बेल्ट जो है रिटर्न कर दिया गया था, जो भी वापस है ना, रीअपॉइंटमेंट वाला पर्सन जो जॉब जो जॉब जो है मतलब CDM का टाइम छोड़ दिया था ना जॉब, तो ये गांधी जी समझौता के बाद उनको फिर से अपॉइंटमेंट दे दिया गया था, ठीक है। कांग्रेस से CDM विन हो गया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, बॉयकॉट भी खत्म हो गया, पुलिस का बोला गया था कि भाई पुलिस कोई डिमांड नहीं करे क्योंकि सबको पकड़ पकड़ कर डिमांड कर रहा था, तो मतलब ये सब समझौता हुआ, ठीक है, कांग्रेस साइड से। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया, 25 मार्च को कांग्रेस कराची में गया गया जिसमें चेयरमैन थे वल्लभ भाई पटेल, तो गांधी जी पे पूरा भड़क गया सब, तो फिर वही गांधी जी उस समय बोलते हैं कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मरेगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 हुआ 7 सितंबर 1931 से 1 सितंबर 1931, फ्रैंक मोने पत्रकार गांधी जी को अर्धनंग कहा था, 2T+1 में वही फ्रैंक मोने जो अर्धनंग फकीर है 2T+1 में, इंडिया जो है लंदन से इंडिया से लंदन गांधी जी कौन से जहाज से गए थे, बार बार जाकर पूछता है, गांधी जी इंडिया से लंदन जो है SS राजपुताना जहाज से गए थे और किंग सील में जाकर ठहरे थे, स्टेट नहीं स्टेट ठहरे थे, कहाँ, किंग सील एम्स तियाना जहाज, तियाना से और सॉरी किंग सील में ठहरे थे, वापस कौन से जहाज से आए थे, थेम्स तियाना जहाज से इंडिया आए थे, तो कौन से जहाज से गए थे, SS राजपुताना जहाज से गए थे और वापस आए थे थेम्स तियाना जहाज से वापस, ठीक है। नेक्स्ट सरोजिनी नायडू जो है मैकडोनाल्ड के मतलब मैकडोनाल्ड कॉमन अवार्ड की घोषणा की थी 16 अगस्त को, जिसकी रिजल्ट कुछ नहीं आया, गांधी जी अम्बेडकर में विवाद हो गया था पूना पैक में, यरबदा जेल में ही यरबदा करार भी हुआ, उसको बोलते हैं 20 सितंबर को हुआ था, SC ST को सेपरेट इलेक्टोरेट करने का डिमांड था, मुस्लिम का डिमांड एक्सेप्ट करने का था, SC ST जो है गांधी जी बोले कि हिंदू का पार्ट है, अगर मुस्लिम सिख क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन SC ST जो वो बोल रहे थे भाई कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया बायोलॉजिकल रिफॉर्म्स में, सिख और क्रिश्चियन को जो है मॉन्टेग्यू के स्पोर्ट रिफॉर्म्स में मिल गया, एंग्लो इंडियन को मेंटोनी के स्पोर्ट रिफॉर्म्स में मिल गया, तो भाई SC ST को क्यों ना दिया जाए, तो फिर वही गांधी जी बोले कोई हिंदू का पार्ट है उसको अलग नहीं करेंगे, रिजर्वेशन देना तो दे दो, तो
मदन मोहन मालवीय गांधी जी ने भी आपके लिए जेल में थे, मदन मोहन मालवीय उनको भी आपके साइन किए, अनटचेबिलिटी लीग हरिजन सेवक संघ गांधी जी चालू किए, मैंने बताया आपको। एससी एसटी को 71 रिजर्वेशन शुरुआत में दिया गया, बाद में फिर 148 रिजर्वेशन दिया गया और बाद में परसेंटेज फिक्स कर दिया गया 18% रिजर्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 जो हुआ था उसमें 7 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। व्हाइट पेपर में एक प्रभार कमेटी बना, चेयरमैन लॉर्ड लिथगो थे उस समय। 1931 रिपोर्ट सभी को करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 1947 बना। ठीक है, तो इतना आप तो समझ गए। क्लोज करके हम नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए। इतना मिलता है।